दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर में फ्री फायर गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। अगर आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र को ओपन कीजिए और आपका जो कंप्यूटर है वो एक अच्छे इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतना ही जल्दी जल्दी आपकी जो फाइल्स हैं या फिर जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे। ब्लूस्टैक जो है वो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एक ऐप प्लेयर है जो कि जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस होते हैं उसे कंप्यूटर में प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर गूगल सर्च में हम लिखेंगे ब्लूस्टैक्स, लिख करके जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहली साइट है www.bluestacks.com की, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर दो बटन नीचे दिखाई देगी, एक डाउनलोड ब्लूस्टैक्स 10 लिखा हुआ है, दूसरे जगह पे 5 लिखा हुआ है। तो नॉर्मली हम ब्लूस्टैक्स 5 को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के लिए जो डाउनलोड ब्लूस्टैक्स 5 वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये छोटी सी इंस्टॉलर फाइल है, ये कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर फिर इसे ओपन फोल्डर जब करेंगे तो ये फाइल जहाँ पर होगी वो शो होने लग जाएगी। तो शो इन फोल्डर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके या इसी फाइल पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर जो टर्म्स कंडीशन है पहले से ही एक्सेप्ट पे चेक है वो बॉक्स, तो बस यहाँ पर इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होना चाहिए और अगर अच्छी स्पीड है तो तकरीबन 10 मिनट तक लग सकते हैं इसे डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने में, और ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर भी। अगर आपके कंप्यूटर में SSD लगा हुआ है तो काफ़ी फास्ट ये डाउनलोड इंस्टॉल होगा, अगर हार्ड डिस्क है तो थोड़ा टाइम लग सकता है और ओपनिंग टाइम भी इसका थोड़ा स्लो होगा। तो कोशिश करेंगे जो आपका कंप्यूटर वो एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला हो जिसमें मिनिमम 4GB रैम और SSD लगा हो और मिनिमम i3 प्रोसेसर हो। तो इस तरह से जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे हमें शॉर्टकट देखने के लिए मिलेगा ब्लूस्टैक 5 का। तो इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, और डबल क्लिक करके इसे जब ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर प्ले स्टोर देखने के लिए हमें मिल जाएगा, इस प्ले स्टोर के आइकॉन पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर फिर हमें साइन इन के लिए पूछा जाएगा। तो साइन इन के लिए नॉर्मली जो हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जीमेल आईडी का यूज़ करते हैं सेम वही आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स शो होने लगेगा, तो सर्च बॉक्स में नॉर्मली आपको फ्री फायर लिख करके सर्च करना होगा और यहाँ पर आपको फ्री फायर गेम इस तरह से दिखाई देगा। इंस्टॉल बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड पे, अगर फास्ट है तो बहुत ही जल्दी तकरीबन 5-10 मिनट में ये डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा, प्ले पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नॉर्मली जैसे आप मोबाइल में फ्री फायर खेलते हैं उसी तरह से ये ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यहाँ पर प्ले पे जब क्लिक किया तो यहाँ पर गरेना लिख करके आ रहा है और ये कुछ परमिशंस के लिए पूछेगा, तो उन सभी को अलाउ कर देंगे। और परमिशन अलाउ करने के बाद में फिर नॉर्मली आप जिस तरह से अपने फ़ोन में फ्री फायर को देखते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने फ्री फायर की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं या फिर एज ए गेस्ट अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो गेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर कोई भी आईडी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, और अगर आप फेसबुक से कनेक्टेड हैं या फिर जीमेल आईडी कोई भी किसी भी तरह से आईडी से कनेक्टेड हैं तो उस आईडी से आप साइन इन कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपने आईडी से साइन इन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट गेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा और इस तरह से ये जो फ्री फायर है वो यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वो शो हो रही है, फिर यहाँ पर लैंड करने के बाद में बहुत सी स्क्रीन पे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो स्क्रीन पे ऑप्शन है इन पे आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह पे एक छोटी छोटी सर्किल बनी हुई है और सर्किल के अंदर कुछ लेटर लिखे हुए हैं या फिर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये लेटर्स और नंबर्स जैसा कि आप देख सकते हैं नेविगेशन बटन है या फिर ये जो जहाँ से हम लोग दौड़ने के लिए टाइप करते हैं तो दौड़ने लगता है हमारा करेक्टर, या फिर फायर बटन, या फिर ये जो स्पेस लिखा हुआ है जहाँ पर हम जंप करते हैं, क्रॉल है, जो कुछ भी मतलब ऑप्शन है आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक छोटी छोटी सर्किल बनी होगी और सर्किल के अंदर कुछ कैरेक्टर लिखे होंगे। तो उन कैरेक्टर को या उन नंबर्स को जैसे ही हम अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वो जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कीबोर्ड का यूज़ करके बहुत ही सिंपल वे में फ्री फायर को कंप्यूटर में आप प्ले कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अगर आप कंप्यूटर में फ्री फायर को प्ले करना चाहते हैं तो आपके इंटरनेट की स्पीड और कंप्यूटर का जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा अच्छा होगा तो आप बहुत ही आसानी से स्मूथली इस गेम को रन कर पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।